जिला शिवपुर की तहसील करहाल के ग्राम गड़ला के चक में शासकीय भूमि पर दबंगों ने किया कब्जा। 14-15 ट्रैक्टरों ने खड़ी फसल उजाड़ी। ग्राम गड़ला के चक में शासकीय भूमि पर दबंगों ने कब्जा, 14-15 ट्रैक्टर चलाकर भूमि में खड़ी फसल नष्ट की। इस भूमि पर बरसों से चक के आदिवासी समाज के लोग फसल करते आ रहे थे, लेकिन कुछ दबंगों ने उस जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में गड़ला हल्का पटवारी ने थाने में ज्ञापन दिया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त वर्तमान सरपंच सिलपुरी मुकेश मल्होत्रा का नाम भी शामिल है, लेकिन ग्रामवासियों मुकेश मल्होत्रा द्वारा बताया गया कि यह इल्जाम पूरी तरह गलत है। पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि शासकीय भूमि पर ठाकुर बंजारा और उसके साथियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मेरा इस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल शहरी विकास परिषद संगठन के आधार पर आदिवासियों पर अत्याचार होते देख उनकी मदद करने के लिए आगे आया। मुकेश मल्होत्रा और समस्त चक्की पीड़ित आदिवासी सहित कलेक्टर ऑफिस में नियम अनुसार न्याय के लिए आवेदन दिया। साथ ही ग्रामवासियों पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मुकेश मल्होत्रा ने प्रशासन को कहा कि जल्द से जल्द दबंगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो समस्त आदिवासी समाज के साथ तहसील का घेराव करेंगे और फिर जब 17 तारीख को मोदी जी आएंगे तो उनके सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। नाम मैम आपका? संगीता वडनागर। आप क्या पटवारी हो? कौन सी मौजा? अच्छा, क्या समस्या हो गई, क्या बात है, आप थाने में कैसे आई? गड़ला में गए, कुछ लोगों ने बाहरी लोगों ने आके मतलब सरकारी जमीन जोत लिए। अच्छा अच्छा। और विवाद भी करते रहते हैं। सरकारी जमीन जोतना तो अपराध होता है, इसलिए यहाँ थाने में आवेदन देना है। तो थाने में आपने जबरदस्ती समाज के लिए सब आपके लिए जैसे गड़ला के किसान हैं, आप उनकी मदद करने गए तो गड़ला के किसानों द्वारा ही आपके ऊपर आरोप लगाए जाने का आप उसको नहीं पता है, लेकिन साथ में आपके साथ में सरासर गलत है। हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं, हमारा संगठन शहरी विकास परिषद पूरे मध्य प्रदेश में जाति शहरियाओं पर और आदिवासी बन जाए के आदिवासी में और गड़ला के शहरिया में वहाँ पर तिल्ली की फसल हुई थी, उस फसल बढ़िया पक गई थी। उस फसल को जो ठाकुर ग्राम का बंजारा है दबंग और एक मीना सरपंच है, जो इन्होंने जबरदस्ती 15-20 ट्रैक्टर ला के और परसों के दिन उन्होंने जबरदस्ती 20 ट्रैक्टर चलाए, इसके हमारे पास वीडियो भी है, वीडियो फोटो वगैरह। और इस बंजारे ने पिछले बार भी इन लोगों की जमीन को पलटा था, जब भी हम मदद करने गए उसकी कायनी भी है उस बंजारे पर। इसमें पहले एक आदिवासी का दिलीप का पैर तोड़ा था, तो ये हमारे कोई जमीन से कोई मतलब नहीं है, हम तो जहाँ आदिवासी अत्याचार होता है वहाँ जाते हैं। एकदम यहाँ जमीन है, भूमि है, उसका शहरिया का हक बनता है। तो 5वीं अनुसूची में अगर आप संविधान का अनुच्छेद 13(2) उसमें स्पष्ट देखते हैं, 5वीं अनुसूची वहाँ शहरिया का हक है उस जमीन पर, उसमें 6 आदिवासी मेरे ऊपर
उनसे पहले हम मुझे आगवा सीट को लेकर अपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया और एस पी साहब से भी हमारी बात उसका हमारे पास आवेदन पत्र भी रखा है। आप ये जो किसान है इनके पास कुछ लिखावड़ी है कागजात है क्या जो जमीन का? आदिवासी तो पूरे क्षेत्र में जमीन जोत रहा है वर्षों से, मतलब आजीवन से, ना इनके लिए शासन कोई कब्जा देती है ना पट्टा देता है। अधिकांश आदिवासी सरकारी जमीन पर कावेज है और अन्य लोग भी कावेज हैं और उस बंजारे का मकसद यह है इस जमीन को इनसे छुड़ा के और बेचता है मोटी रकम में। उदाहरण के लिए उसने भाई भूमिया बाबा की तालाब की कई जमीन लोगों ने उसको बेच दी है उसने। तो आपने इनकी मदद के लिए कलेक्टर साहब के पास ऑफिस में आवेदन दिया तो क्या उसका